यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जंगले में फंदे से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। आजमगढ़, 16 अक्टूबर 2024। जंगले में फंदे से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। पुलिस ने देर शाम तक नहीं दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने कहा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही लिखा जाएगा मुकदमा। निजामाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मैनपारपुर निवासी सचिन यादव पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका यादव उम्र लगभग 20 वर्ष जीविका चलाने के लिए सरायमीर में जावेद टेक्सटाइल नाम की दुकान पर करीब 2 वर्ष से नौकरी करते थे। रोज की भांति 16 अक्टूबर 2024 को भी समय से काम पर गया। देर शाम हो जाने पर भी घर नहीं पहुंचने पर माँ ने फोन किया तो नंबर बंद मिलने से माँ बेचैन हालत में किसी तरह रात बिताई ही थी कि सुबह करीब 10 बजे फंदे से लटक कर बेटे की मौत की खबर मिली। 15 साल पहले पति को गंवाने के बाद कोरोना में जवान बेटे से साथ छूटने के सदमे से अभी पूरी तरह उभर भी नहीं पाई थी कि दूसरे जवान बेटे के मौत की खबर सुनते ही जिंदा लाश बन चुकी मां को पुलिस वाले शाम तक सरायमीर थाने में बैठाए रखे, बावजूद इसके मुकदमा नहीं लिखे। पुलिस का कहना था कि यह आत्महत्या है, इसलिए पीएम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा लिखेंगे। जबकि घर वालों का कहना है कि जंगले में फंदा लगाकर आत्महत्या कैसे हो सकती है, जबकि जंगले से ज्यादा लंबाई सचिन की थी। घर वालों ने कहा हमें पूरी आशंका है कि हमारे बच्चे की हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की भरपूर कोशिश की गई है। जिस रूम में लाश मिली है उसका दरवाजा भी बाहर से बंद था। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद घर वालों की शंका और गहरी होती जा रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सचिन का घुटना जमीन पर है। पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि हम काफी गरीब लोग हैं और दुकान वाले काफी धनाढ्य और रसूखदार हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। देर शाम तक असहाय हालत में थक हार कर गांव वालों ने बेसहारा बन चुकी मां को अपने साथ लेकर घर चले गए। आजमगढ़ से श्याम जन्म यादव की खास रिपोर्ट।